डेज हॉट एयर बलून में होने वाला है, तो रियल लाइफ में ऐसी कोई डेट याद है आप दोनों को? मगर ये काफी प्रेशर डाल रहा है ना सब पे, ये आवाज पीछे से. आर यू फीलिंग लाइक वेरी स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज़ ऑफ दिस नॉइस? कि अभी कुछ होने वाला है ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है. डर तो नहीं लग रहा? हाँ डर तो नहीं लग रहा. नहीं, हम तो गए इस पे, बहुत मजा आया था जब हम गए शूटिंग के दौरान. लेकिन आपका सवाल कुछ था. यस, रियल लाइफ में ऐसी कोई डेट याद है आप लोगों को? मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, पर जब मैं पहली बार हॉट एयर बलून पे गई थी, वो फटा हुआ हॉट एयर बलून था, और फिर भी मैं अड़ गई थी कि मुझे जाना ही है, क्योंकि मैं वहाँ 5:30 बजे सुबह पहुँच गई थी. और फिर दैट पर्सन वॉज जस्ट स्टिचिंग इट अप, और चिपका विपका के हम लोग ऊपर तो चले गए, पर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए थे. तो क्योंकि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी नीचे, वो ऐसे कर रहे थे, तो बहुत लोग नहीं थे, इसलिए थोड़ा बहुत ही वो बलून ऊपर गया, फिर वापस नीचे आना पड़ा. पर शूटिंग के दौरान जब हम गए, बहुत मज़ा आया. काफ़ी काफ़ी ऊपर गए थे हम लोग. कंसीडरिंग पहली बार तो आप ऊपर गई नहीं तो उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर गए थे. अब आज इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर नीचे भी आ जाएंगे. यू आर लुकिंग स्ट्रेस्ड. विद्या कुणाल फ्रॉम इंडिया न्यूज. कुणाल हाय. हाय विद्या, बात कीजिए. आप तो, आपके पास अनुभव है, शादी हो चुकी है, आप क्या मानती हैं कि शादी के इफेक्ट और प्यार के साइड इफेक्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वाकई में अगर देखा जाए तो? सबका मानना है कि यू नो, शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है, पर ये बहुत गलत है. मेरे एक्सपीरियंस में ये इट्स कम्प्लीटली फॉल्स.